وبالله التوفيق. पिछले एक साल से समंदर में खौफ बरपाए हूती ने अपनी ताकत में बेतहाशा इजाफा किया है। चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन्स हो या फिर समुद्री ड्रोन्स, आज हूती के तरकश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हर वो हथियार है जो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के लिए भी बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। हूती अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन्स की बदौलत इसराइल के भीतर तेल अविव तक मार करने में सक्षम है। तो वहीं लाल सागर से लेकर हिंद महासागर में भी उसकी पहुंच से इसराइल या उससे संबंधित कोई भी जहाज अब दूर नहीं है। और इसी ताकत के दम पर हूती ने लाल सागर में सैकड़ों जहाजों पर हमलों के साथ साथ दो जहाजों को समंदर में डुबो दिया है। और एक पर उसके लड़ाकों ने कब्जा किया हुआ है। और इन्हीं हमलों की कड़ी में हूती ने अब एक और बड़ा हमला किया है। दरअसल हूती ने एक लाइबेरिया के झंडे वाले रासायनिक टैंकर पर मिसाइलों से हमला किया है। ये जहाज लाल सागर में पूर्वी अफ्रीका के तट से गुजर रहा था जिस पर हूती के लड़ाकों ने एक मिसाइल से हमला किया जिससे जहाज क्षतिग्रस्त हो गया है। बाद में कम से कम दो और मिसाइल जो हूती नियंत्रित होदेदा बंदरगाह से दागी गई थी जहाज के आसपास पानी में गिरी। ब्रिटिश समुद्री एजेंसी ने कहा कि यमन के हूती विद्रोहियों के द्वारा महीनों से चले आ रहे हमलों के क्रम में लाल सागर में एक जहाज पर एक अज्ञात मिसाइल आ टकराई। यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा जहाज को निशाना बनाकर कई संदिग्ध हमले किए गए। ब्रिटिश नौसेना द्वारा संचालित यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO ने कहा कि जहाज के मालिक ने अज्ञात प्रक्षेप की चपेट में आने की रिपोर्ट दी है और जहाज को नुकसान हुआ है। कोई आग लगने या हताहत होने की सूचना अभी तक नहीं है। हालांकि हूती ने अभी इस हमले की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 में गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से ही हूती विद्रोहियों ने मिसाइलों और ड्रोन से करीब 80 से ज्यादा व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया है। इन हमलों में एक जहाज को जब्त कर लिया गया है और दो को डुबो दिया गया है जिसमें चार नाविकों की मौत भी हो गई है। हूती का कहना है कि जब तक गाजा में हमास के खिलाफ इसराइल के हमले बंद नहीं हो जाते तब तक इसराइल अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े जहाजों को निशाना बनाते रहेंगे। हालांकि हूती ने ऐसे कई जहाजों पर भी हमले किए हैं जिनका इसराइल अमेरिका या ब्रिटेन से बहुत कम या कोई संबंध ही नहीं था।